जिस बंदे नूं अपने प्यू का पता नहीं है कि उसका प्यू कौन है, वो बोलता है मेरे पिता समान, ठीक है कि नहीं? तो जिस बंदे नूं अपने प्यू का पता नहीं है उस बंदे की गल साडे नाल ना ही करो। मैं इस तरह की गलबात नहीं करता हाँ, लेकिन ये मजबूर करते हैं तो पहले अपने प्यू का पता करे कि उसका प्यू कौन है, फिर जनता के सामने आवे। इलेक्शन दे विच पुलिस वाले भी देखो उन्होंने सबक सिखाऊंगे, पुलिस वाले चाहे ठोको ताली वाला बंदा होवे जां सुखा गप्पी होवे, जिन्होंने भी पुलिस नू गाल कढ़ी है पुलिस नू नीवा विखाउण दी कोशिश करते ने, पुलिस चाहुंदी है कि एक भी एक जुत्ता चोरी भी ना होवे, पुलिस चाहुंदी है, कोई पुलिस वाला नहीं चाहुंदा कि कोई क्राइम होवे, लेकिन पुलिस नू उन्हां दा जो काम है ना वो काम करन दिता जाऊगा ता ही होगा। मैं जॉब छड़ी कैप्टन साहब ने पंजाब की बर्बादी का प्लान बनाया सी, उसके खिलाफ सारा सिस्टम नू बदलन वास्ते उन्होंने चैलेंज करके मैं जॉब छड़िया सी। लेकिन आज लीडर ने पुलिस नू अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो उन्होंने यही लगता है कि पुलिस नू गाल कढ़नगे तो पुलिस वाले चुप रहेंगे, लेकिन पुलिस वाले भी देखो उन्होंने भी परिवार होता है, उन्होंने इज्जत होती है, तो पुलिस वाले चुप नहीं बैठेंगे। इलेक्शन दे विच पुलिस वाले भी देखो उन्होंने सबक सिखाऊंगे, पुलिस वाले चाहे ठोको ताली वाला बंदा होवे जां सुखा गप्पी होवे, जिन्होंने भी पुलिस नू गाल कढ़ी है पुलिस नू नीवा विखाउण दी कोशिश करते ने, जनता उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल जवाब दोगी, पुलिस वाले देंगे, पुलिस दे परिवार वाले भी देंगे, तो आम जनता भी दोगी। लेकिन कुकर जी जिस तरह तुसी अपनी जॉब छड़ी सारा कुछ इस टाइम क्लीन करने वास्ते सब कुछ कर रहे हो, क्या लगता है कि पुलिस कर्मचारी जेकर इस तरह के साडे सीनियर लीडर्स ने उन्हां दी सिक्योरिटी छड़ दें, लगता है कि उन्हां दा हालात बद तो बदतर भी हो सकते हैं? मेरी गल सुनो, पुलिस आम जनता की राखी वास्ते होंगी है, लीडरों की राखी वास्ते नहीं होंगी है। लीडर ने पुलिस को गुलाम बनाया हुआ है, लीडर ने देखो अपनी परसनल प्रॉपर्टी बनाई हुई है, लीडर के खेतों के काम करते हैं, लीडर के दफ्तर के काम करते हैं, उन्हों दुकान के पुलिस वाले काम करते हैं, तो पुलिस वालों भी तो देखो गुलामी तो मुक्ति दिलानी है ना जी। मैं जॉब छड़ी कैप्टन साहब ने पंजाब की बर्बादी का प्लान बनाया सी, उसके खिलाफ सारा सिस्टम बदलन वास्ते उन्होंने चैलेंज करके मैं जॉब छड़िया सी। एक सिस्टम बनूगा, पुलिस भी आज़ाद होगी, पुलिस जनता की सेवा करेगी, पुलिस चाहती है कि जनता की सेवा करे, पुलिस चाहती है कि एक भी एक जुत्ता चोरी भी ना होवे, पुलिस चाहती है, कोई पुलिस वाला नहीं चाहता कि कोई क्राइम होवे, लेकिन पुलिस ने उन्हों का जो काम है ना वो काम करन दिता जाऊगा ता ही होगा, ये लीडरों की गुलामी तो मुक्त करा। लेकिन पहली बार होया कि पुलिस कर्मचारी ने उस टाइम ही जरा जवाब दिता है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की गल हो चाहे वो जो सुखबीर सिंह बादल की गल हो, लगता कि हूँ पुलिस कर्मचारी भी खुल के बोलना शुरू हो चुके? देखो जदों किसी को दबाया जाऊगा ना जी तो वो बोलेगा ही बोलेगा, और पुलिस वाले बहुत पावरफुल होंगे ने, तुसीं इह मान के नहीं चलो कि हाँ पुलिस वाले बोलते नहीं, डिसिप्लिन फोर्स है, उन्हां दी आन शान दे खिलाफ कोई काम करूगा पुलिस वाले भी बोलेंगे, तो इलेक्शन दे विच पुलिस वालों का भी वोट हुंदा है, पुलिस वालों का भी वोट हुंदा है, वो वोट पाउणगे। इस बारी देखो हरेक सरकारी कर्मचारी वोट पाउण वास्ते जाऊगा, और उन्हां दे परिवार वाले भी वोट करनगे, और वो आम जनता भी वोट करेगी, क्योंकि आम आदमी दी पार्टी दी सरकार होगी ना, उस दे विच पुलिस दी जो जहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली होगी वो जनपक्षी होगी, आम जनता दे वास्ते होगी, आम जनता दे हित वास्ते होगी, आम जनता दी राखी वास्ते होगी, तो ये बदलाव दा एक जो ये बदलाव दी लहर आई है ना, तो तुसी देखो जो चंडीगढ़ों शुरू हुई है पंजाब दे विच देखो टोटल पूरा दा पूरा बदलाव आना है, और हर सीट के उत्ते आम आदमी पार्टी जीतूगी। लेकिन सुखबीर बादल वालों आज चोन मैनीफेस्टो भी जारी किया गया, उन्होंने कहना है कि जिहड़े आटोज चल रहे हैं उन्होंने ड्रॉप करके ई रिक्शा सीटियां लिया के आईया जा सकदियां ने, 10 लाख रुपया जिहड़ा है वह भी दिता जा सकता है जी, क्या लगता कि चुनावी स्टंट जिहड़े हुण शुरू हो गए हैं क्योंकि चोन मैनीफेस्टो अजे तक लीगल नहीं हो पा रहा? देखो जिस बंदे नूं अपने प्यू का पता नहीं है कि उसका प्यू कौन है, वह बोलता है मेरे पिता समान, ठीक है कि नहीं? तो जिस बंदे नूं अपने प्यू का पता नहीं है उस बंदे की गल साडे नाल ना ही करो, ठीक है ना? उस तरह के लोग राजनीति के काबिल नहीं हैं, उन्होंने प्यू की प्रॉपर्टी बना के इतने राज कर लिया, उन्होंने हुण खात्मा हो गया। तुहानू कोट करके स्पैशल उन्होंने गल कही कि लगता कि एक IPS या IPS ऑफिसर ना जो गल की जाती तो थोड़ा जहा लिमिट लैनी चाहिए, क्योंकि सुनना जिसनों अपने प्यू का पता नहीं है ना उसकी गल ही ना करो। मैं दोबारा बोलता हाँ, मैं इस तरह की गलबात नहीं करता हाँ, लेकिन ये मजबूर करते हैं तो पहले अपने प्यू का पता करे कि उसका प्यू कौन है, फिर जनता के सामने आवे जी। नशे दे मुद्दे दे उते एक लास्ट क्वेश्चन है जी, बार बार यही बोल रहा हूँ, नशे दे वो अपने प्यू का पता करे पहला, फिर जनता के सामने।